आज हमारा लास्ट क्लास है वाटर ट्रीटमेंट का। कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं इसमें? वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, देखिए ये जो आपको ब्लू लाइन ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है, वो किस तरह का इम्प्यूरिटी उसमें पाया जाता है वो, और उसको सेपरेट करने के लिए कौन कौन सा मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इम्प्यूरिटी कौन कौन सा पाया जाता है, अपने ऐसे जाके भी तो देखा होगा कभी, नहर तालाब पोखर ये सब आसपास तो होगा ही, बहुत सारा चीज उस पे तैरता हुआ भी आपको दिख जाएगा कि तैर रहा है, सेफलोथीन, दिखता जाल, है। पोलोथीन हो गया, वुड का टुकड़ा हो गया, पेपर हो गया, या छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह हो गए, कहीं कहीं पे आपको एल्गी वगैरह भी तैरता हुआ दिखेगा, हरा हरा सा जो है। यस सर, हाँ, तो जो चीज हमको नेक्ड आई से दिख जाता है उसको तो हम छान भी सकते हैं, इतना बड़ा पार्टिकल वो होता है कि उसको क्या कर सकते हैं हम, इन लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं। यानी स्क्रीनिंग का मतलब होता है उसको जो है सेपरेट कर लेना छानने वगैरह के माध्यम से, ठीक है। तो जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हैं जो थोड़ा साइज में बड़े हैं उनको तो स्क्रीनिंग कर लेंगे, नॉर्मल स्क्रीनिंग से भी हो जाएगा, जैसे बार लगा के, जैसे होता ना कि कहीं कहीं आप देखे होंगे कि ये गंगा सफाई अभियान वगैरह में क्या होता है कि लोग इधर से उधर जहाँ पुल वगैरह होता है या फिर जो नहर वगैरह में देखेंगे कि ऊपर से रस्सी बांध देते हैं और ऊपर से वो रस्सी को ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे राउंड करके लगा देते हैं। ये मान लीजिए नदी का दो किनारा है या नहर का दो किनारा है, ठीक है, उसके बीच में हमने क्या किया कि एक इधर से उधर तक कोई अगर पुल है या ऐसा कुछ, या फिर कोई रोप वगैरह ही हम बांध दिए। तो ये जनरल प्रोसेस है, हम लोग ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल नहीं है, ट्रीटमेंट में हम लोग स्पेशल वहां पे जाली या फिर बार वगैरह लगा के इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करें हम, ये जो फ्लो हो रहा है नदी, ऐसे ऐसे लोग देखते हैं कि वहां पे रस्सी वगैरह ऐसे ऐसे लगा दे, तो इधर से जो पानी वगैरह या इम्प्यूरिटी वगैरह आ रहा है वो इसमें क्या होता है कि इस रस्सी या जो नेट होता है इसमें होता है, ये फंस जाता है जो बड़ा पार्टिकल है। तो इसको इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नहर से इसको फिर बाद में इसको उधर उठा के बाहर कर देते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जहां से हम इनलेट दे रहे हैं पानी का, ठीक है, वहां पे हमने क्या किया कि ऐसा बड़े बड़े रॉड का नेट लगा दिया या रॉड लगा दिया, बार लगा दिया, तो ऊपर जो तैर रहा जो बड़ा पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, इस नेट में स्क्रीन हो जाएगा, इस बार में वो अटक जाएगा। तो उसको क्या करेंगे हम, बाकी पानी अंदर चला गया और ये क्या है धीरे धीरे यहाँ पे कलेक्ट होते गया। तो इस तरीके से हम लोग ऊपर जो तैरता हुआ जो पार्टिकल है उसको वहां से क्या किए, रिमूव कर दिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज है कि जो एल्गी हमें दिख गया जो लार्ज साइज का होता है, एल्गी क्या है एक तरह से आपका जो स्मॉल साइज का, जैसे आपने देखा होगा नल वगैरह पे, खासकर जो सार्वजनिक नल वगैरह होता है जहाँ पे सामुदायिक नल वगैरह होता है कम्युनिटी के लिए बनाया रहता है, वहां पे किनारे किनारे पे ज्यादा यूटिलाइजेशन होने के बाद साफ सफाई तो उसका रख रखाव अच्छा से होता नहीं है, तो धीरे 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 वहां पे काई वगैरह जम जाता है। तो काई वगैरह जो है ग्रीनिश टाइप का वो एल्गी है, छोटे छोटे पत्ते व पौधे वो टाइप, तो वो भी क्या करते हैं उनको भी, वो भी क्या फाइन स्क्रीनिंग जब हम उनका करेंगे, जैसे यहाँ पे तो हमने थोड़ा बड़ा बार लगाया था या नेट लगाया था, अब उससे भी अगर पतला हम उसमें अगर स्क्रीनिंग करेंगे नेट वगैरह से, पतला नेट से, तो वो एल्गी भी वहां से क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तीसरा मेथड जो है एक्सेसिव एफईएमएन या फिर हार्डनेस, उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन जो है वो सब जो अगर पाया जाता है, जब ये एक्सेस मात्रा में पाए जाएंगे तो इनको हम लोग क्या करते थे, ये जो डिजोल्व होते थे उसको हम लोग कन्वर्ट करते थे क्या चीज में, पहले बताइए, जो हार्डनेस जो था कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो सोल्यूबल फॉर्म में होता था, तो सोल्यूबल फॉर्म में किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, आयरन सल्फेट, हाँ सल्फेट फॉर्म में हो सकता है, क्लोराइड फॉर्म में हो सकता है,
बाइकार्बोनेट फॉर्म में हो सके। और हार्डनेस किस फॉर्म में ज्यादातर, हार्डनेस वाटर का हार्डनेस किस फॉर्म में ज्यादातर पाया जाता है, अगर परमानेंट, अगर टेम्पोररी टाइप का है तो बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट नहीं, बाइकार्बोनेट, HCO3, ठीक है, कार्बोनेट हो जाएगा CO3, तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट टेम्पोररी हार्डनेस, क्लोराइड एंड सल्फाइड फॉर्म में होगा तो वो परमानेंट हार्डनेस फॉर्म में होगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन। तो ये सब आयन अगर पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रेसिपिटेट में चेंज करते हैं, यानी उसको इनसॉल्युबल बनाते हैं, जब इनसॉल्युबल बनाएगा बन जाएगा तो वो नीचे की तरफ बैठने लगेगा, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में बन गया, और सॉलिड जनरली लिक्विड से भारी होते हैं और वो नीचे की तरफ धीरे धीरे सेडिमेंट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। दूसरा नेक्स्ट मेथड वही है, सेडिमेंटेशन, जब ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जब ये क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सॉल्युबल से इनसॉल्युबल फॉर्म में आ गया, इनसॉल्युबल फॉर्म में आ गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बड़े टैंक में अगर उसको थोड़े देर के लिए सेडिमेंट होने के लिए, यानी नीचे जमने के लिए, बैठने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए जब उसको हम छोड़ देंगे तो क्या हो गया, धीरे 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 वो वहां से बैठ जाएगा, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को फिर वाटर को पंप से आगे कर लेंगे और नीचे वाले को फिल्ट्रेशन वगैरह करके फिर उसको वहां से क्या किया हमने, हार्डनेस रिमूव कर दिया। तो ये चार मेथड हो गए। उसके बाद डिजॉल्व गैसेस, अब उसमें है कि डिजॉल्व गैसेस, बहुत सारे गैसेस भी डिजॉल्व होते हैं, वो कार्बन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपको ऑक्सीजन के फॉर्म में है तो ऑक्सीजन है तो बेटर है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो इसको यूटिलाइज करते हैं, जो कि और कार्बनिक पदार्थ जो सब्सटेंस है उसमें उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको गैसेस फॉर्म में चेंज करने के लिए, और वो गैस क्या होगा वहां से फिर उसको निकाला जा सकता है। तो हम लोग जो ये मेथड है एरेशन, ये एक्चुअली दो बार करते हैं, एक तो कार्बोनिक मटेरियल को पहले जो कार्बन कंपाउंड जो उसमें बायोडिग्रेडेबल जो कार्बन कंपाउंड है, जैसे कि कोई कीड़ा मकोड़ा ही मर गया, कुछ खाने पीने का चीज उसमें फेंक दिया, कुछ पेड़ पौधा जो कि कार्बन रिच सब्सटेंस होते हैं वो उसमें पड़ा हुआ है, या उसे वो धीरे धीरे क्या हुआ वहां पे सरगल गया, तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं जो कि जिनमें ग्रोथ होता है उसमें कार्बन रिच पाया जाता है, हाँ या ना, कार्बन कंपाउंड से ही बना होता है ना मैक्सिमम चीज, तो वो कार्बन कंपाउंड जो होगा वो धीरे धीरे अगर गल गया भी है तो वो कहाँ रहेगा, उसी वाटर में डिजोल्व रहेगा, कार्बन, वो कार्बन कंपाउंड कहाँ जाएगा, उसी से क्या होता है कि जब कार्बन कंपाउंड जब वहां पे जब वो कार्बन ये मीथेन वगैरह के मार्स गैस वगैरह ये सब के फॉर्म में बनने लगता है, CH4 C2H2 ये सब फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाता है गलने के कारण, तो उसी में उससे जो है महक वगैरह आने लगता है, दुर्गंध आने लगता है, तो उन चीजों को क्या करना है हमको, उन चीजों को गैसियस फॉर्म में चेंज करना, जब हम उसको ऑक्सीजन देंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड ये सब में चेंज हो जाएगा, और फिर वो वहां से उसको हीट वगैरह देके हम उसको फिर या अलग एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, उसको वहां से हटा सकते हैं। तो इसके लिए हमको ऑक्सीजन देना है, देना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं एरेशन। तो एरेशन क्या है, एरेशन इज अ प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं उस वाटर बॉडी में, तो बड़े बड़े जैसे तालाब वगैरह हो गया तो वहां पे, या बड़ा बहुत बड़ा डैम वगैरह है, तो इसमें एरेशन हम लोग बार बार करते भी हैं, एक बड़ा सा पंप रहता है, जैसे आप लोग किसी किसी वो देखे होंगे जो लोग घर वगैरह में मछली वगैरह रखता है वो कांच वगैरह के, उसमें क्या बोलते हैं उसको, एक्वेरियम, ठीक है, तो जो एक्वेरियम में क्या करते हैं वहां पे देखे होइएगा कि पंप रखा रहता है, एक जो है वाटर पंप वहां पे रख, ये वो एयर पंप रखा रहता है, जिससे कि आप देखेंगे कि बुलबुला सा ऊपर की तरफ जाते रहता है, और वो बुलबुला मतलब वो पंप रेगुलर चलते रहता है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग वहां पे, ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं अंदर में ताकि मछली जिंदा रहे। हाँ, तो दो कारण है वहां पे, एक तो मछली भी जैसे इंसान के हम लोग जैसे है तो हमारा भी तो ग्रोथ होते रहता है, तो कुछ हमारा डेड सेल भी रिमूव होते रहता है, जैसे कि हमारा
हेयर हो गया, स्किन हो गया, फिर आप देखेंगे नेल वगैरह हो गया, तो ये क्या हमारे बॉडी से रिमूव होता है? तो रिमूव होता है तो ये कहाँ जाता है? जब हम इसको, जैसे बाल तो मान लीजिए कि काट के ये सॉलिड दिख रहा है तो हम लोग वो कर देते हैं, लेकिन जो स्किन वगैरह जो रिमूव होता है वो कहाँ? वो धीरे धीरे वाटर में ही, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग नहाते वहाते हैं तो उससे वाटर से वो धीरे धीरे वहां डिजोल्व होते चला जाता है। तो वैसे ही मछली वगैरह में जो फिश वगैरह का, उसका भी जो सेल, डेड सेल जो है वो कहाँ वो जाएगा? उसी पानी में जाएगा, यस जो सर, एक्वेरियम का जो वाटर है उसी वाटर में जाएगा। तो और वहां पे दूसरा चीज लिविंग वो तो है नहीं, प्लांट वगैरह, एक्वेटिक प्लांट जो है वो प्लांट तो है नहीं कि वो ऑक्सीजन बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेगा, जो फिश जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके और उसको क्या कन्वर्ट कर दे, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे, ऐसा तो है नहीं। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको उसके लिए जो है एयर पंप लगाना पड़ता है। वो पंप क्या करता है, बाहर से एयर को उसमें सप्लाई देता है। उस एयर से क्या होता है कि कुछ एयर का मात्रा जो है वो उसमें डिजोल्व हो जाता है और वो जो एयर है उस वाटर को बहुत जल्दी क्या करने ऊपर पॉल्यूट नहीं होने देता है, जिसके कारण हमको नहीं तो क्या करना पड़ेगा, हर दूसरे तीसरे दिन उसको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो लोग ऐसे क्या करते हैं, 20 दिन या 30 दिन के करीब में एक बार उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है, तो वहां पे जो ऑक्सीजन जो जाता है तो वो जो कार्बन रिच कंपाउंड है जो कि हमारा डेड सेल वगैरह से बना है या फिर उसमें कुछ भी ऐसा कार्बन है जो हम उसको खाना पीना जो डालते हैं एज ए पार्टिकल फॉर्म में, तो वो भी तो सारा चीज नहीं खा पाता, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए वो छुप गया कि नीचे बैठ गया डस्ट वगैरह में, तो वो सब चीज भी तो वहां पे क्या होगा, वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होगा तो उसका स्मेलिंग होगा, स्मेलिंग होगा तो पानी धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो उस चीज को भी ऑक्सीजन जब मिलता है तो वो डिकम्पोज होता है, उसमें जो बैक्टीरिया जो अगर हो गया वो बैक्टीरिया क्या करता है उसको डिकम्पोज कर देता है गैसियस फॉर्म में, और वो गैसियस फॉर्म क्या होता है कि वहां से धीरे, वहां से कुछ कुछ क्वांटिटी उसका जो है, ये कुछ नहीं मैक्सिमम क्वांटिटी वहां से क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसके लिए हम लोग को क्या है, एयरेशन करना जरूरी है। उसके बाद अब देखिए, अब हमने एरेशन तो कर दिया, हार्मफुल गैसेस या डिजोल्व गैसेस जो है या हार्मफुल जो चार्ज पार्टिकल है, बायोडिग्रेडेबल जो चार्ज पार्टिकल है उसको तो हमने क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया। लेकिन आपने एड वगैरह में सुना होगा कि ये है ऑक्सीजन रिच पानी, अगर इसको पीने से आदमी क्या होता है कि उसका दिमाग वगैरह जो है या ज्यादा एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करता है, थकान कम होता है, ऐसा ऐड देखा है कि जिसमें बोलता है कि ऑक्सीजन रिच है, तो ऑक्सीजन रिच है इसीलिए क्या होगा कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल अगर ज्यादा बना रहे तो थकान कम महसूस होता है, क्योंकि वहां से ज्यादा कंबसन हो सकता है और हमको एनर्जी आसानी से मिल जाता है अगर हम ज्यादा भी काम कर रहे हैं। तो इस चीज को फिर से जो यूजफुल एयर है, यानी जो इसमें कि इतना लिमिटेशन इतना हो कि उसमें ऑक्सीजन का मात्रा प्रॉपर हो जिसके कारण उसका टेस्ट ऑर्डर और कलर थोड़ा बना रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यूजफुल मिनरल्स या जो एयर है उसको फिर से वहां से एब्जॉर्ब कराते हैं, यानी वहां से उसमें से पास कराएंगे उस वाटर बॉडी से उस एयर को या उस मिनरल्स को गैसियस स्टेट में, तो वो क्या होगा, वाटर उसको कुछ ना कुछ मात्रा में, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में इन समहाउ कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उस एब्जॉर्प्शन के से ही जो है एक क्रियम का जो है फिश वगैरह जो है वो जीवित रह पाता है और जो एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं वो वहां पे सरवाइव कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, उसको जो है वाटर बॉडी को एक तरह से प्योरीफाई कर चुके हैं। अब इसके बाद उसमें अब भी कुछ जो है ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल जो पॉल्यूटेंट हैं वो बच गए हैं, उनको अब किल करने के लिए हमको डिसइंफेक्शन यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसमें जैसे कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर वगैरह कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, उस वाटर को पीने लायक
बना दिया, या फिर उस वाटर को जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको हम लोग ट्रीट कर दिए, अब वो इरिगेशन के पर्पस से या फिर हमारे डोमेस्टिक पर्पस से यूटिलाइज हो सकता है। चलिए तो इसका मेथड देख लेते हैं। ये सारा तो हमारा ओवरव्यू था मेथड का, वो कौन कौन सा, स्क्रीनिंग, फाइन स्क्रीनिंग, प्रेसिपिटेशन, सेडिमेंटेशन, एरेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिसइन्फेक्शन। इतना मिनिमम इतना मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो है सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए कम से कम। अब इसमें दो चार, अब जैसे कि जहां पे चार्ज पार्टिकल, जैसे प्रेसिपिटेशन मेथड है, तो प्रेसिपिटेशन के लिए हम लोग अगर मान लीजिए जो कि आयरन है या फिर और मिनरल्स वगैरह हैं या फिर और पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो तो जरूरी नहीं कि सबके सब फ्री स्टेट में हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? कंबाइंड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। और जो हम उसमें जो प्रेसिपिटेट होने के लिए जो कॉगली जो प्रेसिपिटेट के लिए जो एजेंट यूज करते हैं, उस एजेंट को जरूरी नहीं कि सब के सब ट्रैप कर ले उसको, तो उस प्रोसेस को हमको तेज भी करना है एक थोड़ा, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा जैसे जो अलग सा मैकेनिकल मेथड भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसको रोटेट करना, उसको मिक्सिंग करना, इन सब मेथड का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहला प्री क्लोरीनेशन, यानी जो है क्लोरीन है Cl2, उसका हाई डोज हम उसमें पहले डालते हैं। ठीक है, ये कहाँ डालेंगे, किस तरह के वाटर में? हमारे पास वाटर जो है कहाँ कहाँ से हमारे पास मिलता है, जो सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या है? पॉन्ड, लेक, रिवर। पॉन्ड, लेक, रिवर। ठीक है, तो जो वेस्ट वाटर है वो हम लोग को कहां से मिलता है? रिवर, पॉन्ड से हो सकता है, रिवर से भी हो सकता है, क्योंकि रिवर में हम लोग जो सीवेज वगैरह का पानी भी अल्टीमेटली कहाँ डाल देते हैं, कहीं बहुत जगह रिवर में डाल दिया जाता है। तो जो वेस्ट वाटर हम लोग को कहां से मिले, सीवर में हो सकता है, पॉन्ड में हो सकता है, लेक में हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं इन्हीं चीज का भी ट्रीटमेंट करेंगे। ओशियन वाटर का ट्रीटमेंट का भी हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, हाई इम्प्यूरिटी होगा, यानी उसमें जो हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, हो सके उसमें बहुत सारे जो हैं कीड़े मकोड़े भी हों, तो उन सबको पहले किल करना पड़ेगा। तो किल करने के लिए क्या चीज ऊपर ना करना पड़ता है, क्लोरीन। तो हमको क्लोरीन गैस जो है सबसे पहले जो वहां पे क्लोरीन जो है वहां पे इंजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, हाई डोज कहाँ हम लोग नहीं करेंगे, क्वांटिटी क्वालिटी जिस वाटर का अच्छा हो, गुड क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर जहां पे मिल रहा हो वहां पे हमको क्लोरीनाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जहां पे हम लोग जो हमारा लैंड है जिससे फिल्टर होके वाटर नीचे जाता है, वो भी तो एक फिल्टर का काम करता है, और ये फिल्ट्रेशन बहुत स्लो होता है। तो ये फिल्ट्रेशन जो है, ये फिल्टर हो के गया तो बहुत सारा जो इम्प्यूरिटी है, जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको जो क्या करता है, सरफेस पे ही वो रोक लेता है। तो उस जगह पे हम लोग को उनको जो है उस वैसे वाटर में जो गुड क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर हो, खासकर ग्राउंड वाटर में हमको क्लोरीनाइजेशन नहीं करना पड़ता है। लेकिन बाकी जो सीवेज वाटर है वहां पे हम क्लोरीन इंजेक्ट करते हैं, और ये क्लोरीन जो है लास्ट टाइम तक हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में रहता है। ठीक है, तो यहाँ नीचे दिखाया भी गया है एक फोटो में, ये देखिए फोटो दिख रहा है नीचे, तो यस यहाँ पे इस फोटो में दिख रहा होगा कि एक
क्लोरीन का एटम है बड़ा सा रेड कलर का, दिख रहा? और इधर दो तीन नजर से मछली के शेप का कीड़े मकोड़े टाइप के हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ये क्लोरीन जो एटम है इनको इन्होंने एब्जॉर्ब किया, इनसे रिएक्ट किया, और वो रिएक्ट करने के बाद क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। और ये न्यूट्रलाइज होके फिर वहां से इसको स्क्रीन कर लिया जाता है, ठीक। तो अब रोल क्या है, क्लोरीनेशन का रोल क्या है? क्लोरीनेशन का रोल है आयरन और मैग्नीशियम आयन को, Fe और Mn को प्रेसिपिटेट करना, ठीक है। इनको क्या करना, प्रेसिपिटेट करना। जब ये जो आयरन और मैग्नीशियम जो उसमें डिजोल्व है उसको अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज प्रेसिपिटेट होगा, मैग्नीशियम उसमें डिजोल्व नहीं रहेगा। दूसरा, अगर ये जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख भी रहा है पिक्टोरिकल, कि वो अगर क्लोरीन कांटेक्ट में रहते हैं लार्ज टाइम तक, तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी जो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उनको भी वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक। दूसरा चीज है कलर और ऑर्डर भी उसका चेंज हो जाएगा, जो महक आ रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के का आयरन और मैग्नीज जो है कि आपको मतलब वो क्लोरीन से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन से रिएक्ट वगैरह करके जो प्रेसिपिटेट होंगे, डिस्प्ले क्या हुआ, नहीं हो रहा, डिस्प्ले अभी नहीं होगा, ये कुछ डिस्टरबेंस हो गया है ब्रॉडबैंड में, और बस मोबाइल का नेटवर्क काम कर रहा है, इसलिए जब साउंड फ्लैक्चुएट होने लगेगा थोड़ा। तो हमने क्या किया, पहले क्लोरीनेशन किया, ठीक, यानी उसमें क्लोरीन इंजेक्ट कर दिया, तो जो बैक्टीरिया थे एल्गी थे वो तो वहां किल हो गए, आयरन था मैग्नीज था, ये क्लोरीन से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक, इतना वहां पे हो गया। अब क्या करेंगे, हमको इस जो भी वहां पे प्रेसिपिटेट हुआ है या जो भी वहां पे इस उसमें है कि नीचे बैठ सकता है, सेडिमेंट हो सकता है, उसको क्या करेंगे, हम सेडिमेंटेशन से रिमूव कर लेंगे। तो सेडिमेंटेशन दो चीज पे डिपेंड करता है, एक जो है साइज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का साइज कैसा है, ठीक है, वो नीचे बैठने लायक सेटल होने लायक है या नहीं, और दूसरा जो है उसका उस पार्टिकल का स्पेसिफिक वेट, यानी उस पार्टिकल का स्पेसिफिक वेट कितना है। तो इन दोनों चीज पे डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल वहां पे सेडिमेंट हो पाएगा या नहीं। क्यों, तो देखिए जो 10 mm का होगा लगभग पार्टिकल डायमीटर, जो 10 mm का होगा, जिसको हम लोग ग्रेवल्स पत्थर वगैरह या कंकर वगैरह भी बोलते हैं, वो 1 सेकेंड में सेडिमेंट हो जाएगा। जो 1.0 mm का होगा उसको अप्रोक्सीमेट 10 सेकेंड लगेगा, ठीक है, जिसको जिससे हम लोग बिल्कुल पॉइंट साइज का रेत का कण जैसे नहीं बोलते हैं वो सब चीज को। तो इस तरीके से उसका साइज और उसके स्पेसिफिक वेट पे डिपेंड करता है कि वो वहां पे सेडिमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर स्पेसिफिक जो वेट होना चाहिए वो पॉजिटिव में होना चाहिए, मतलब जो 1 से ज्यादा होना चाहिए तो सेडिमेंट हो पाएगा। तो स्पेसिफिक वेट हम लोग निकालते हैं डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है, जो प्रेसिपिटेट हुआ है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये 1 से अगर ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नहीं होगा तो स्क्रीनिंग के थ्रू उस पे साफ करना पड़ेगा, यानी ये ऊपर तैरते रहेगा। बॉयंस लॉ और बॉयंस फोर्स पढ़े हैं फिजिक्स में, तो उसी के कारण वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है बॉयंसी का, कि अगर वहां पे जो है
डिस्प्लेस जितने भी उसका जो वॉल्यूम है, जितना भी पार्टिकल, जितना भी बड़ा पार्टिकल हो उतना, और मतलब जैसा उसका वेट होगा, अगर उसका वेट जितना डिस्प्लेस वाटर किया हुआ उसका वेट अगर उस वाटर डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट से ज्यादा होगा पार्टिकल का, तो जल्दी नीचे बैठ जाएगा, और नहीं अगर उसके कंपेरेटिव में अगर कम वेट होगा तो क्या होगा, वो ऊपर तैर ऊपर रहेगा, और जिसका वेट मिक्स होगा आसपास होगा, ना वो नीचे बैठेगा जल्दी ना वो ऊपर बैठ, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमको आगे और मेथड वो करना पड़ेगा। तो सेडिमेंट हो गया, उसके बाद जब सेडिमेंट हो गया तो उसके बाद का जो मेथड पढ़े थे हम लोग एरेशन, तो एरेशन प्रोसेस जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है, दो तरह का एरेशन प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि तालाब वगैरह है जिसमें क्या है कि वो नहीं रहता, अंदर पेड़ पौधा नहीं है, सीमेंटेड वगैरह है, चाहे अंदर बहुत कम वहां पे कीचड़ वगैरह एक चीज है, तो उसमें कैसे ऑक्सीजन ट्रैप होता है, कोई आइडिया सोच सकते हैं इसके बारे में? एरेशन हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी वाटर बॉडी में अगर हमको एरेशन करना हो तो टू डिफरेंट अप्रोच हम एरेशन के लिए क्या अपना सकते हैं। एरेशन का मतलब है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या एडिंग ऑफ गैसेस, और एक उसका जो डिकम्पोज करने के लिए, और जो उसका जो जो कार्बोनिक जो पार्टिकल्स उसमें रह गया है, कार्बन रिच पार्टिकल रह गया, उसी पार्टिकल सब के कारण और बैक्टीरियल उसके कारण ही तो उसमें जो है दुर्गंध वगैरह आता है, ऑर्डर वगैरह उसका खराब आता है। तो उन सब चीज को, अब जैसे बोलते हैं ना कि ये पानी पूरा काला हो गया, तो काला हो गया कि क्या मतलब क्या है कि पानी खराब हो गया, उसमें पत्ते वगैरह जो गिर जाते हैं रोड वगैरह के किनारे या कहीं गड्ढे वगैरह में आप पानी देखिएगा तो उसमें पेड़ वगैरह के पत्ते जब गिर जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो पत्ता धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, सड़ जाता है, तो सड़ने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है ना, तो उसका कलर चेंज हो जाता है पानी का, जो बिल्कुल साफ होना चाहिए वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो अगर हम उसमें से जो वो पत्ते हैं और वो जो पत्ते जो सड़ गए हैं और उसमें सड़ने के कारण जो जो इम्प्यूरिटी डिजोल्व हो गया है, उस इम्प्यूरिटी को अगर रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा, फिर से उसका कलर व्हाइट हो जाएगा, साफ हो जाएगा पानी वो। तो पत्ता वगैरह क्या होता है, ये कार्बन रिच वो है, इसको तभी तो हम लोग जलाते हैं, तो इसमें बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन के सप्लाई के साथ जलने लगता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि वो कार्बन है वहां पे, जब हम उसको सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देंगे तो वो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, और वो रिएक्ट करके फिर हम उसको वहां से जब वो गैसियस फॉर्म में वो कार्बन चेंज हो गया तो उसको हम लोग वहां से फिर सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। तो कौन कौन सा प्रोसेस हमने वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ा, पहला स्क्रीनिंग, फाइन स्क्रीनिंग, फाइन स्क्रीनिंग, ये सबसे पहले हम लोग क्या कर यहाँ पे अब क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है, क्लोरीनेशन यानी क्लोरीन उसमें मिलाते हैं ताकि क्या हो, जो आयरन मैग्नीज वगैरह का पार्टिकल है और जो क्या बोलते हैं आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, वो सब क्या हो, उसको किल कर दें और डिसइंफेक्ट कर दें वाटर को, और जो आपका आयरन और मैग्नीज आयंस है उसको प्रेसिपिटेट कर दें, ठीक है। उसके बाद सेडिमेंट करेंगे, यानी उसके बाद उसको थोड़ा देर के लिए मतलब नीचे जो प्रेसिपिटेट हो गया है उसको क्या करेंगे, बैठने के लिए इंतजार करेंगे, थोड़ा उसको जमने देंगे नीचे बैठ जाए, उसके उसके बाद एरेशन करते हैं ताकि जो कार जो डिजोल्व इम्प्योरिटी है उसमें जो डिजोल्व कार्बोनिक पार्टिकल्स हैं या सब्सटेंस है उस चीज को हम लोग क्या करें वहां से निकाल दें। तो उस चीज को वहां से क्या करेंगे, गैसियस फॉर्म में चेंज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज करके वहां से उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फिर उसके बाद जो है उसमें अभी भी बहुत सारे पार्टिकल उसमें रह गया है, रहता है, क्योंकि ये मल्टी स्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी दो स्टेज में हम वाटर ट्रीट करते हैं, तो उस चीज को हम यहाँ पे जो है आगे ले आगे जाने आगे जैसे बढ़ते हैं तो उसका फिर सेकेंडरी स्टेज ट्रीटमेंट भी आता है। अब यहाँ पे हम लोग को उसको
जो उसमें अब बहुत ही माइनर पार्टिकल है, उनको अब क्या करना पड़ता है कि कॉगुलेंट डालकर, कॉगुलेंट ऐसा चीज होता है कि जो दूसरे चीज को ऐड कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है, और उस जोड़ने के कारण क्या होता है, उसे रिएक्ट कर लेता है, उस जोड़ने के कारण क्या, तो उसका पार्टिकल साइज इंक्रीज कर जाता है। जब पार्टिकल साइज इंक्रीज कर जाएगा तो उसको क्या करेंगे हम, वहां से फिर सेपरेट कर पाते हैं, या उसको प्रेसिपिटेट करके वहां से फिर से सेपरेट कर पाते हैं। तो पहला पहले पहल जो हो गया, फर्स्ट प्राइमरी स्टेज में हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो आसानी से सेपरेट हो जाने वाला इंप्योरिटी है उसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद दो मेथड इसमें हम लोग यूज करते हैं, फ्लोकुलेशन एंड दूसरा है कॉगुलेशन, ठीक है। तो फ्लोकुलेशन जो है वो एल्गोमेरेशन भी इसको हम बोलते हैं। यहां पे क्या करते हैं हम लोग, उसको बहुत तेजी से जो टैंक में है, उस एक टैंक में पानी लिए, उसको बहुत तेजी से डिजोल्व घुमाए, ठीक है। तो घुमाने से क्या होता है कि उसका जो जो पार्टिकल है जो कि कंबाइन स्टेट में किसी किसी से मिला हुआ है या स्टेबलाइज कंडीशन में है, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग डीस्टेबलाइज करते हैं। उसको काइनेटिक एनर्जी जब देंगे तो वो डीस्टेबलाइज होगा फ्लोकुलेशन में, फ्लोकुलेशन में, और जब वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा तो हम वहां पे कॉगुलेंट डालते हैं। कॉगुलेंट जो होता है वो भी दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक थोड़ा महंगा मिलता है, इनऑर्गेनिक सस्ता मिलता है। हमको किस तरह, किस कार्य के लिए, किस पर्पस से उस वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग वहां पे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो कॉगुलेंट है वो कॉगुलेंट क्या काम करते हैं, वो इम्प्योरिटी को ट्रैप करने का काम करता है, वो इम्प्योरिटी को अपने साथ ट्रैप कर लेगा और वो उससे क्या हो जाएगा कि हम उसको फिर फ्लोकुलेशन के बाद कॉगुलेशन होगा। फ्लोकुलेशन में क्या होगा, हम डीस्टेबलाइज करते हैं। कॉगुलेशन में क्या होता है, हम लोग वैसा केमिकल या ऑर्गेनिक केमिकल या इनऑर्गेनिक केमिकल वहां उसमें डालते हैं जो कि उस डीस्टेबलाइज पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है और उसके बाद वो प्रेसिपिटेट हो सकता है, और उसको फिर नेक्स्ट स्टेप में सेडिमेंट करके उसको सेपरेट करते हैं, और वहां से फिर नेक्स्ट अब उसको डिसइंफेक्ट करना है तो उसके लिए डिसइंफेक्टर का यूज करते हैं और पानी हमारा पीने लायक हो गया। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी। तो फ्लोकुलेशन क्या है, एक मिक्सिंग टेक्निक है, ठीक है, जो कि एल्गोमेरेट को प्रमोट करता है, ठीक, और जो पार्टिकल है उसको सेटलिंग में हेल्प करता है, यानी उसको सेटल होने में हेल्प करेगा वो। तो ये मिक्सिंग, जैसे बड़ा सा टैंक होगा उसमें मान लीजिए एक शाफ्ट लगा हुआ है, और उस शाफ्ट के में क्या लगा हुआ है, ब्लेड्स लगे हुए हैं, और वो ब्लेड्स हाई कैपेसिटी से रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने से क्या होगा, वो मिक्स होगा, वो जो जो हमने कॉगुलेंट और कॉगुलेंट वगैरह जो डाला है कि जो कि डीस्टेबलाइज पार्टिकल को ट्रैप कर रहा है, तो वो आसानी से एक दूसरे से इम्प्योरिटी से मिलेगा। वो इम्प्योरिटी क्या है, उसके उसको कॉगुलेंट ट्रैप करेगा, और ट्रैप होने के से क्या होगा कि वो फिर हम उसको जो थोड़े देर के लिए आगे सेडिमेंट में भेजेंगे तो वो जल्दी से ट्रैप हो जाएगा। तो ये ट्रैपिंग प्रोसेस है, यानी एक दूसरे से वो जितना ज्यादा मिले, मान लीजिए किसी टैंक में हम कॉगुलेंट डालते हैं, तो कॉगुलेंट जब तक उसको अच्छे से मिलाएंगे नहीं तब तक या तो ऊपर या फिर नीचे वो बैठ जाएगा, होगा या नहीं ऐसा। अगर अगर आपको एक ग्लास, अगर आपको एक शुगर वाटर बनाना है, ठीक है, चीनी पानी का घोल बनाना है, तो आप क्या करते हैं, चीनी डालते हैं और पानी को क्या करते हैं, उसके बाद स्टक माना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और बहुत देर छोड़ेंगे तब वो क्या होगा, वहां पे वो उसमें मिक्स होगा शुगर। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक चम्मच लेते हैं और उसको ऐसे राउंड 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 घुमा देते हैं। तो फ्लोकुलेशन वही है कि हम लोग जो कॉगुलेंट डालते हैं, जो केमिकल डालते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिकल, जिससे कि क्या हो कि इम्प्योरिटी को ट्रैप करे, वो डीस्टेबलाइज जो इम्प्योरिटी हो गया है उसको क्या करे, वो पकड़ ले। तो उस चीज को, उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, मिक्सिंग टेक्निक यूज करते हैं, मिक्सिंग टेक्निक यूज करते हैं। ये मिक्सिंग टेक्नोलॉजी क्या करता है कि
उस कॉगुलेंट को पूरे वाटर बॉडी में या पूरे टैंक में आसानी से फैला देता है। तो जिसके कारण क्या होगा कि इम्प्यूरिटी जो है, जो कि हमको जिसको हमको वहां से सेपरेट करना है, उसको हम आसानी से सेपरेट कर पाएंगे, वो जल्दी से मिक्स हो जाएगा, तो फिर वो अगले स्टेप में यानी सेडिमेंट मेथड में चला जाएगा। तो सेडिमेंट में क्या होगा, जो रिएक्ट कर गया है, जिस इम्प्यूरिटी को कॉगुलेंट ट्रैप कर चुका है, वो क्या होगा, धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसमें दो तरह के हम लोग कॉगुलेंट जनरली यूज करते हैं, एक ऑर्गेनिक कॉगुलेंट और एक इनऑर्गेनिक कॉगुलेंट। ऑर्गेनिक कॉगुलेंट में दो तरह का होता है, एक पोलीएमाइन, एक जो है एक टाइप है उसका पोलीएमाइन, जिसको आप पोली DADMAC डेडमैक, पोली DADMAC, इसका जो पूरा नाम होगा पोली डाइएलाइल डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, इसका यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो फॉर्मल डिहाइड का यूज करते हैं, फॉर्मल डिहाइड या टेनिस। तो ये दो ऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिकल जो होता है वो ज्यादातर एल्युमिनियम या आयरन बेस्ड कंपाउंड होता है, जैसे आयरन एल्युमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरिक या फेरस सल्फेट, ये सब हम यूज करते हैं एज ए इनऑर्गेनिक कॉगुलेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये है हमारा वाटर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। थैंक तो यू सर। इसमें बस ये प्रोसेस दिखाना रह जाएगा कि ये प्रोसेस थोड़ा कैसे होता है डायग्रामेटिकली, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। तो आपको इससे क्वेश्चन आएगा और ये नोट्स भी हम सेंड कर देंगे, और जो नेक्स्ट चैप्टर है फ्यूल का, उसका भी नोट्स सेंड करेंगे। तो आप मंडे को वो पढ़ के तैयार रहिएगा। फ्यूल अगर आप जो बचा हुआ है उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन कहीं नहीं है ज्यादा, मैक्सिमम चीज थ्योरी है, तो वो नोट्स से भी काम चल सकता है, लेकिन उस नोट्स को पढ़ के आएंगे तो एक बार एक्सप्लेन करने में आसानी से निकल जाएगा सर।